कई महापुरुषों के किसी मूर्ति पर या किसी तस्वीर पर फूल माला अर्पित कर अभिनंदन करने का यह आयोजन हमारी ओर से नहीं है। हम जानते हैं कि जो लोग सामाजिक ढांचे को बदलना नहीं चाहते वे महापुरुषों के वचनों को अंगीकार करने के लिए नहीं कहते, उन्हें पूजा करने का आदेश देते हैं। जो लोग सामाजिक ढांचे को बरकरार रखना चाहते हैं वे महापुरुषों के किताबों के पढ़ने के लिए नहीं कहते, उनकी मदार पर माथा टेकने का उपदेश देते हैं। मित्रों, यह आयोजन और हम लोग ऐसे लोगों में नहीं हैं और ना ऐसा हम करने जा रहे हैं। मित्रों, इस सभागार में अनुग्रह नारायण सामाजिक शोध संस्थान के सभागार में और इस मंच पर देश और दुनिया के जाने माने विद्वान, चिंतक, लेखक, अर्थशास्त्री, समाज वैज्ञानिक मौजूद हैं, जिसमें प्रभात पटनायक, अली जावेद, प्रोफेसर अनौल किशोर चौधरी, सुबोध मालाकार, जो सभागार में बैठे वीरेंद्र यादव, हितेंद्र पटेल और खगेंद्र ठाकुर, वो मणिनाथ ठाकुर जैसे विद्वान यहाँ इकट्ठा है। मैं ऐसे विद्वान विचारकों को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, सभागार में बैठे हुए बौद्धिक बुद्धिजीवियों और लेखकों को नमस्कार करता हूँ। मित्रों, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि विगत दो शताब्दियाँ विचार की शताब्दियाँ थी, सिद्धांत की शताब्दियाँ थी, विचारधारा की शताब्दियाँ थी। लोग समाज के बारे में सोचते थे, व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता। लेकिन यह नई सदी जो है यह विचारहीन शताब्दी, इस शताब्दी में व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, उसके लिए समाज का कोई मतलब नहीं है। विगत शताब्दी के उत्तरार्ध में एक विचारधारा दुनिया में फैलाई गई थी, उस विचारधारा का नाम था विचारधारा के अंत की विचारधारा, दी एंड ऑफ आइडियोलॉजी की विचारधारा का प्रचार किया गया। डैनियल बेल उसका प्रवक्ता था। उस काल में एक किताब छपी थी एमएल ब्रिश की, उसने उसका शीर्षक था गॉड इज डेड, मार्क्स इज डेड, वी आर नॉट फेलिंग वेरी वेल। मित्रों, ऐस विचारहीनता की विचारधारा के का प्रचार कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम जैसी संस्था और अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA ने जोर शोर से किया था। मित्रों, हम लोग आज जिस मुकाम पर हैं, देश और दुनिया संकट के मकर जाल में घिरी है, चारों तरफ दक्षिण पंथ का शोर मचा है, हमारी तहलीज पर फासिज्म दस्तक दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विगत शताब्दी का नारा था बाम बाम दिशा साम्यवादी, आज का नारा है दक्षिण दक्षिण फासीवादी। आज से 2008 में दुनिया अमेरिका में और पश्चिमी यूरोपीय देशों में जो
इकोनॉमिक क्राइसिस हुई और उस क्राइसिस से पश्चिमी देशों के बैंक धराशायी हो रहे थे। उस दौर में दुनिया के विचारकों, लेखकों और अर्थशास्त्रियों के सामने एक मार्च खड़े मिले और लोगों ने ये खोजना शुरू किया कि मार्क्स ने ऐसे संकट में क्या लिखा है, उनकी किताबों में क्या है। आज इस संकट में जो 2008 में दुनिया में वो संकट आया और अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में आया, वह संकट अभी भी बरकरार है। और सबसे बड़ी बात जो हुई है, अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में और भारत में जिस तरह के शासक, दक्षिण पंथ के शासक दुनिया पर काबिज हुए हैं और दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, जैसे हिटलर मुसोलिनी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, उस दौर में आज की गोष्ठी की प्रासंगिकता इस माने में बढ़ गई है कि हम मार्क्स को याद कर रहे हैं कि मार्क्स ने अपने ग्रंथों में ऐसे संकटों के निदान के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। मित्रों, कार्ल मार्क्स दुनिया के महान विचारक, क्रांतिकारी थे और उन्होंने बाह्य अतीत दुनिया के अंदर व्यवस्था बदलाव के वो भविष्य दृष्टा और संकल्पक थे। उससे मार्क्स के विचार दुनिया के हर देश में गए और दुनिया के उन देशों के लोगों ने मार्क्स के विचारों के आधार पर पार्टियां बनाई और दुनिया अपने अपने देशों की व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया और ये प्रयास आज भी दुनिया के अंदर चल रहा है। ये प्रयास जो दुनिया के अंदर चल रहा है, अब एक बड़ी बात है, हमारे पटनायक जी हम लोगों के बीच हैं, मणिन्द्रनाथ ठाकुर हम लोगों के बीच हैं, सुबोध मालाकार हमारे बीच हैं। सबसे बड़ी बात है कि मार्क्स ने जो भी रचा, जो भी किताबें लिखी, वह आम लोगों के लिए अबूझ थी। उसे ये दुनिया के अंदर चाहे वह कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो, कैपिटल हो, वो पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी हो, जर्मन आइडियोलॉजी हो, सिविल वॉर इन फ्रांस हो, या गोथा प्रोग्राम हो, मार्क्स ने इतनी रचनाएं लिखी हैं, उसे बड़े बड़े विद्वान और दुनिया के लोग उसका मंथन करते हैं, लेकिन वो आम आदमी के लिए वो समझना आसान नहीं है। उसे आसान बनाने का काम किया दुनिया के उन लोगों ने जिन लोगों ने अपने अपने देशों के अंदर क्रांति रचाने का काम किया था, नई व्यवस्था बनाई थी, वैकल्पिक व्यवस्था बनाई थी। उसमें लेनिन थे, उसमें माओ थे, उसमें हो चि मिन्ह थे, उसमें कास्त्रो थे, चे गुएवारा थे, जिन लोगों ने अपने देश के अंदर व्यवस्था ही नहीं बदली बल्कि मार्क्स के विचारों को सरल ढंग से अपनी जनता को समझाया और किताबें लिखी। मित्रों, दुनिया में मार्क्स को हजारों लोगों ने पढ़ा और आज भी पढ़ रहे हैं। अमर सेन कहते हैं कि मार्क्स को जितना पढ़ा गया है, अभी और उतना पढ़ने की जरूरत है। मित्रों, मार्क्स को लोगों ने पढ़ा, उस पर मीमांसाएं हो रही हैं, पहले भी हुई हैं, लेकिन उसकी निरंतरता केवल उनकी कृतियों का नहीं है बल्कि उसके भीतर आपको दुनिया के इतिहासकारों ने, दुनिया के समाज वैज्ञानिकों ने और दुनिया के संस्कृतियों ने, कर्मियों ने उसमें एडिशन किया, उसमें जोड़ा, उस परंपरा को विकसित करने का काम किया है बहुत दुनिया के विचारकों ने। मित्रों, मार्क्स के इन विचारों के संदर्भ में जो जिन लोगों ने बड़े पैमाने पर काम किए,
उसमें प्लेखानोव का नाम आता है जिन्होंने फंडामेंटल ऑफ मार्क्सिज्म किताब लिखी। तुगलियाती का नाम आता है जिसने एबीसी ऑफ मार्क्सिज्म लिखा। वो आपको एरिक हाउसबॉम का नाम आता है जो हाल में मरे। वो ग्रामसी का नाम आता है। जयपाल सात्र का नाम आता है। डॉग का नाम आता है। स्विजी का नाम आता है। जिन लोगों ने मार्क्स की रचनाओं को दुनिया के अंदर उसे विकसित उस परंपरा में उसे विकसित करने का प्रयास किया है। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब 1917 में सोवियत के अंदर बोल्शेविक क्रांति हुई, उसका प्रभाव हमारे देश पर पड़ा और हमारे देश पर उस क्रांति के माध्यम से मार्क्स के विचार आए। हमारे देश के मजदूरों और किसानों पर उसके प्रभाव पड़े। उन्होंने किसानों के संगठन बनाए, मजदूरों के संगठन बनाए और उसके नाम पर पार्टियां भी बनी। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। उसी जमाने में कहीं बोल्शेविक पार्टी बनी, कहीं लाल निशान पार्टी बनी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने, सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाई। आपको 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, जो 1947 में सोशलिस्ट पार्टी के नए अवतार में आई। हमारे देश के ये जो दौर चला, इन सभी पार्टियों पर मार्क्स और मार्क्सवाद का प्रभाव है और था। मित्रों, हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई, उसमें जो प्रमुख नेता थे जिस पर मार्क्स के विचारों का प्रभाव था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, ए.सी. डांगी, एम.एन. राय, हिरेन मुखर्जी, पी.सी. जोशी जैसे लोग थे जिनके पर मार्क्स के विचारों का प्रभाव था। और इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में मार्क्स के माध्यम से इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों को प्रशिक्षित करने का काम किया था। मित्रों, न केवल उन नेताओं पर, न केवल पार्टियों पर, बल्कि सब सर्वाधिक प्रभाव हमारे देश के बुद्धिजीवियों पर रहा। चाहे वह इतिहास के लोग हों, चाहे समाज विज्ञान के लोग हों, चाहे संस्कृति के लोग हों, उन पर उसका प्रभाव पड़ा था। प्रभाव पड़ा डी.डी. कौशाम्बी, डॉक्टर रामचरण शर्मा, रोमिला थापर, डॉक्टर हबीब, डॉक्टर के.एम. अशरफ, डॉक्टर इरफान हबीब और विपिन चंद्रा का नाम आप जानते हैं, जो इतिहास के पन्नों पर मार्क्स के प्रभाव से दुनिया को उजागर करने के लिए भारतीय संदर्भ में उन लोगों ने काम किया। हमारे देश में चाहे प्रेमचंद हो, बल्लतोल हो, आपको भीष्म साहनी हो, बलराज साहनी हो, इन लोगों ने न केवल साहित्य और कल्चर में वो योगदान दिया और एक बड़ा साहित्य वो दुनिया के अंदर बैठा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मित्रों, अभी हाल में प्रभात पटनायक ने एक लेख इस 2018 के शुरू में ही इन्होंने लिखा, द साइडो ऑफ मार्क्स। मैंने पहले वो तक्षशिला सोसाइटी की डायरी में वो दो पढ़ने का लेख पढ़ा। बाद में वह लेख इस देश के सभी भाषाओं और अंग्रेजी के अखबारों में छपा। उस लेख में पटनायक लिखते हैं कि विगत शताब्दी का 30 और 40 का दशक मार्क्स के प्रभाव का भारत में आम काल था। उस समय इस देश के लेखकों, साहित्यकारों, कलाकारों, चित्रकारों, फिल्मी हस्तियों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और डायरेक्टर, फिल्म के डायरेक्टरों पर, फिल्म डायरेक्टरों पर
मार्क्स का जादू सिर पर चढ़ के बोलता था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पटनायक जी ने एक उदाहरण उस लेख में लिखा है कि 1943 में बंगाल में जब अकाल पड़ा था, जिसमें लाखों लोग मरे थे, लेकिन इन लेखकों ने, कलाकारों ने, नाटककारों ने, फिल्मी हस्तियों ने उस पीरियड में मार्क्स के प्रभाव में पूरे देश में घूम करके जो सहायता की राशि इकट्ठा की थी वह अभूतपूर्व थी, जिस सहायता से बंगाल के लाखों लोगों को मरने से बचाया गया था। मित्रों, मार्क्स का जीवन सुनना है, थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। हाँ, खत्म कर रहे, दो तीन बात करके खत्म कर रहे हैं, 5 मिनट में खाना चाहता हूँ, 3 मिनट। चलिए, अली जाबिर साहब का आदेश है। मैं ये कहना चाहता हूँ एक मित्रों कि मार्क्स के बारे में एक कहावत है कि मार्क्स को जब हम अपने दरवाजे से हटा देते हैं तो धीरे से खिड़की के रास्ते से वह घर में चले आते। मित्रों, आज इस सभागार में प्रभात पटनायक के इस उद्घाटन के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्क्स खिड़की के बहाने घर में आकर के हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। आज हम लोग प्रभात पटनायक के माध्यम से उनसे मिले कि मित्रों, मार्क्स ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में पढ़ने वाले केवल महान विद्वान नहीं थे, बल्कि उन्होंने दुनिया के अंदर जितने भी जंगजूद लड़ाइयां हो रही थी उससे उनका सीधा संबंध था। मार्क्स अपने युवा जीवन में सामाजिक और राजनीतिक कामों के लिए तीन तीन देशों से, उन्हें जर्मनी से, फ्रांस से, बेल्जियम से निष्कासित किया गया था। यह कदम इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्क्स हमारे बीच आज जो संकट है उस संकट के निवारण के लिए हम यहाँ से, क्योंकि जो संकट है और वो मार्क्स के पास उसका हल है, इसलिए आप इन विद्वानों में सुनिए। मैं एक मिनट और क्यों कहूँगा, अली जाबिर साहब ये कहना चाहता हूँ कि मित्रों, ये गांधी का कांग्रेस के चवनिया मेंबरी और घर घर जा करके और मुठिया और सुनने वाला जमाना नहीं रहा। यहाँ तक कि 52 से 62 तक जो चुनाव लड़ा जाता था वो जनता के पैसे मांग कर लड़ा जाता था, लेकिन मित्रों यह जमाना ऐसा है कि आप चुनाव भी लड़ा जाता है माफिया, ठेकेदार और पूंजीपतियों से। हमने यह आयोजन किया है ठीक उसी तरह जिस तरह से गांधी जी और कांग्रेस पार्टी में चवनिया मेंबरी और मुठिया मांग करके वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। मैंने मार्क्स को आज के संकट के निवारण के लिए बिहार की धरती पर यह आयोजन कर रहे हैं। आशा है यह आप मार्क्स से मिलिए।